स्वागत है दोस्तों आपका ज्योग्राफी विद वसीम अहमद चैनल में। आज मैं आपके सामने CBSE UGC नेट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। इससे पहले हम इससे पहले हम जो है अनुसंधान अभिक्षमता का एक पूरी यूनिट ख़त्म कर चुके हैं, जिसको मैंने अपलोड कर दिए 7 वीडियो। आप क्रम से जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। इससे भी UGC नेट में 5 प्रश्न आते हैं, तो 5 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और आशा करता हूँ ये जो 3-4 वीडियो मैं इसके बनाऊँगा इसी में हो सकता है ये कवर हो जाए और अलग से भी आप अध्ययन कर लें। बाकी मैंने जो जिस तरीके से मैंने पढ़ा है उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षा, पहले शिक्षा के बारे में समझते हैं। शिक्षा क्या होता? बालक में विद्यमान या मनुष्य में विद्यमान सर्वांगीण विकास या आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालकर उनको विकसित करना ही शिक्षा कहलाता। क्या कहलाता? शिक्षा। बालक में विद्यमान या मनुष्य में विद्यमान सर्वांगीण या आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालकर उनको विकसित करना ही क्या कहलाता? आपका शिक्षा कहलाता। मानो कोई भी बालक है या कोई भी मनुष्य है, उसका जो है सर्वांगीण, उसके अंदर की उसकी सर्वांगीण और आंतरिक शक्तियों को जब उनकी उसके अंदर की उन उसके अंदर के टैलेंट को बाहर निकाला जाता तो उसको विकसित करना ही शिक्षा कहलाता। क्या कहलाता? शिक्षा। आप समझ गए होंगे, आप लिख सकते हैं इसे। अब पढ़ते हैं हम शिक्षण। शिक्षण क्या होता? शिक्षण जो है यह है 2 प्रकार का होता। शिक्षण कितने प्रकार का होता? 2। नंबर एक, इस व्यापक अर्थ में शिक्षण और संकुचित अर्थ में शिक्षण। शिक्षण का मतलब आप समझते ही हैं। शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक, विद्यार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम, ये 3 इसके तत्व होते हैं। एक तरीके से ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिसमें शिक्षण कार्य पूर्ण होता। सो शिक्षा यह 2 प्रकार का होता शिक्षण, एक व्यापक अर्थ में शिक्षण और एक होता संकुचित अर्थ में शिक्षण। तो पहले देख लेते हैं हम व्यापक अर्थ में शिक्षण क्या होता। इसमें बालक अपने आसपास के वातावरण से सीखता है, यह जन्म से मृत्यु तक चलता है। आप यहाँ पर हमें व्यापक अर्थ में क्या है शिक्षण का तात्पर्य, जो हम कोई भी बच्चा, जो कोई भी विद्यार्थी है, वो अपने आसपास के वातावरण से, पड़ोस से, अपने रिश्तेदारों से, अपने आसपास के वातावरण से, अपने मित्रों से, है नी, और अपने माँ बाप से जो भी शिक्षा ग्रहण करता, वो व्यापक अर्थ में इसका यही है, इसका व्यापक अर्थ है। तो इसके अंतर्गत यह व्यापक अर्थ में शिक्षण कहलाता है। यह जन्म से मृत्यु तक चलता, व्यापक जो शिक्षण है वो जन्म से मृत्यु तक चलता रहता। अब देखते हैं संकुचित अर्थ में शिक्षण। यह शिक्षा बालक को विद्यालय, कॉलेज आदि में किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जाती ले दी जाती। देखो व्यापक अर्थ में जो शिक्षण है, व्यापक अर्थ में जो शिक्षण है उसके अंतर्गत कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता, जबकि संकुचित अर्थ में शिक्षा जो विद्यालयों में, कॉलेजों में, है नी, और एक सिस्टम से दी जाती है, एक सिस्टमेटिक तरीके से दी जाती है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है इसका। और व्यापक अर्थ में शिक्षण का कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता, जबकि संकुचित अर्थ में शिक्षण में जो है एक पाठ्यक्रम होता है, एक विद्यालय होता है, उस कॉलेज में बच्चा जाता है, वहाँ शिक्षण ग्रहण करता है, शिक्षा दी जाती उन्हें, तो उस किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये शिक्षण दी जाती है, तो इसको कहते हैं संकुचित अर्थ में शिक्षण। अब देख लेते हैं हम इसके उद्देश्य पढ़ लेते हैं। उद्देश्य क्या है? वातावरण में समायोजन करना चाहिए। क्या इसका उद्देश्य क्या है शिक्षण का या शिक्षा का, शिक्षण अभिक्षमता का? वातावरण में समायोजन करना चाहिए, वातावरण के साथ हमें समायोजन जो है बना लेना चाहिए, जैसा भी वातावरण होता ऐसा ही उसके साथ समायोजित कर लेना चाहिए। शिक्षार्थी को क्रियाशील बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य है शिक्षण का कि विद्यार्थी को क्रियाशील बनाना, कि वो विद्यार्थी जो है क्रियाशील हो जाए, मतलब क्रिया करे, वो स्वयं जो है क्रिया करने सीख जाए, यानी उसको गाइडेंस मिलने के बाद वो स्वयं क्रिया करने लगे। तीसरा है इसमें नई जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, यानी शिक्षक को क्या करना चाहिए कि वह विद्यार्थियों को नई जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे, कि वो नई जानकारी प्राप्त कर सके और उसके अंदर रुचि भी डेवलप करे। चौथा है
शिक्षार्थी के संवेगों की नियंत्रण करना चाहिए। जो संवेग होते हैं शिक्षार्थी के, उसको उन संवेगों को भी हमें जो है वो नियंत्रण करना चाहिए। इस किसका उद्देश्य है? शिक्षण का उद्देश्य है। क्या है? शिक्षण के ही उद्देश्य जो मैंने आपको बताया है जो अध्यापक को निभाने होते हैं। अब आते हैं शिक्षण की विशेषताएं, देख लेते हैं हम, बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षण की विशेषताएं। शिक्षण की विशेषताओं में पढ़ते हैं हम, शिक्षार्थी व शिक्षक में मधुर संबंध होने चाहिए। शिक्षण की विशेषता में शिक्षक में और विद्यार्थी में मधुर संबंध होने चाहिए, है ना। दूसरा है परस्पर सूचनाओं का आदान प्रदान होना चाहिए। जब तक किसी विद्यार्थी में और अध्यापक में सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होगा तो वो शिक्षण की वो विशेषता पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए सूचनाओं का आदान प्रदान होना भी आवश्यक है। अपने व्याख्यान का पूर्ण प्लान होना चाहिए। जो भी शिक्षण कार्य अध्यापक कर रहा है उसको व्याख्यान का जो है पूर्ण प्लान, उसका पूर्ण प्लानिंग होनी चाहिए कि इस तरीके से मुझे जाकर वहाँ पर डिस्क्रिप्शन करना है। उसके बाद सभी विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य में भाग लेना चाहिए, है नहीं, सभी सभी शिक्षार्थियों को विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य में भाग लेना चाहिए। ये भी शिक्षण की विशेषता है। किसी शिक्षार्थी को आघात नहीं लगना, है नहीं, लगना चाहिए। किसी भी शिक्षार्थी शिक्षण ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि किसी शिक्षार्थी को आघात लगे या कोई जाति सूचक शब्द उसके सामने हो या धर्म की जाति की बात उसके सामने हो, तो ये शिक्षण विद्यार्थी को आघात नहीं लगना चाहिए। छात्रों की समस्या का समाधान करना, शिक्षण का एक ये महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि उसका टीचर जो है किसी भी छात्र की समस्या का समाधान करें, है नहीं, यानी वो जिज्ञासु बना रहेगा। छात्रों की योग्यताओं को पहचानना चाहिए। एक एक अच्छे शिक्षक की और शिक्षण की यही विशेषता भी है कि छात्रों को की योग्यता की पहचान पहचानना यो छात्रों की योग्यता को पहचानना चाहिए, ये इसकी एक विशेषता हो गई। और आगे पढ़ते हैं हम इसी में, विकास की बातें होनी चाहिए। शिक्षण 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 कार्य होते समय हमेशा विकास की बातें होनी चाहिए। कैसे कैसे उसके उसका जो है माइंड का विकास किया जाए। शिक्षक को मनोवैज्ञानिक व दार्शनिक होना चाहिए। शिक्षक को एक मनोवैज्ञानिक जो मन की बात को समझ सके उसके इम्प्रेशन से स्टूडेंट के, और दार्शनिक होना चाहिए, है नी, एक फिलोसफर होना चाहिए, है नी। अब शिक्षण की देख लेते हैं प्रकृति, शिक्षण की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण की प्रकृति कैसी होती है? शिक्षण एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। ये भी किसी उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए, या किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण कार्य किया जाता है। शिक्षण एक सो उद्देश्य प्रक्रिया है। इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है, ये एक सो उद्देश्य प्रक्रिया है, ये प्रकृति याद रखना। विचारों का आदान प्रदान प्रक्रिया है, ये इसके अंदर शिक्षण के अंतर्गत विचारों का आदान प्रदान होता है नी। फिर उसके बाद शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण एक क्या है? विकासात्मक क्रिया, इससे विद्यार्थी का विकास होता। शिक्षण एक निर्देशात्मक प्रक्रिया, शिक्षण एक निर्देशात्मक प्रक्रिया भी है, यानी गाइडेंस दिया जाता स्टूडेंट को अध्यापक के द्वारा। शिक्षण एक संप्रेषणात्मक कम्युनिकेशन प्रक्रिया है। इसमें जो संप्रेषण होता कम्युनिकेशन होता विद्यार्थी में और अध्यापक में, आपस में जो है विचारों का आदान प्रदान होता, संप्रेषणात्मक होती है कम्युनिकेशन होता है नी। इस कम्युनिकेशन के बारे में हम अगली यूनिट में पढ़ेंगे भी। शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है। इसमें विद्यार्थी की जिज्ञासाओं को शांत किया जाता। इसमें क्या है, ये प्रकृति, इसकी प्रकृति एक ऐसी होती। शिक्षण एक जो है तार्किक प्रक्रिया है। इसमें क्या होता, एक विद्यार्थी अपनी विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं को एक अध्यापक द्वारा इस जिज्ञासा को शांत किया जाता। उसके मन में कोई भी प्रश्न आ रहा है तो उसको वो बता देता तो उसकी जिज्ञासा शांत हो जाती, यानी क्रॉस क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं। शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं, हम यहाँ देख लेते हैं शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताएं क्या होती। नंबर एक, सीखना। शिक्षण में सीखना जरूरी है, तभी वह शिक्षण कार्य कहलाएगा। फिर एक अभिप्रेरणा, यह बाहरी व आंतरिक दोनों हो सकते हैं, अभिप्रेरित होने चाहिए, है नी। ये अंदर से जो है स्टूडेंट जो अभिप्रेरित होनी चाहिए, और टीचर भी अभिप्रेरित होना चाहिए स्टूडेंट को समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए। सीखना होना चाहिए, शिक्षण में सीखना जरूरी होता, अभिप्रेरित होने चाहिए दोनों।
उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का कोई ना शिक्षण का कार्य करना कर रहा है टीचर, तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षक का कोई ना कोई उद्देश्य जरूरी होना चाहिए। परिणाम, इस शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताओं में परिणाम भी आता है, वो चाहे अनुकूल रहा हो या चाहे प्रतिकूल रहा हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, इसमें जो है शिक्षण का आधारभूत आवश्यकता है जो हम पढ़ चुके। अब आगे देखते हैं अध्येता की विशेषताएं, जो लर्नर होता है उसकी क्या विशेषताएं होती है नी? इसकी ये देखने लर्नर की क्या क्या उद्देश्य होते हैं, इसके उद्देश्य क्या है या इनकी विशेषताएं क्या है। उद्देश्य विशेषताएं की बात है, लगभग एक से ही होते हैं। अध्येता की विशेषताएं मतलब लर्नर, ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ज्ञान ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए है नी, ये अध्येता की विशेषता है। शारीरिक और मानसिक विकास होना चाहिए, जो भी लर्नर है जो भी उसको सीख रहा है नी, जो स्टूडेंट है उसका जो है मानसिक विकास जरूर होना चाहिए। शारीरिक विकास भी और मानसिक विकास भी होना चाहिए। उसके चरित्र का विकास होना चाहिए, उसका चरित्र उत्तम हो जाना चाहिए है नी, उसका उद्देश्य है चरित्र का उसका विकास हो जाए। अनुशासन, शिष्टाचार और मेहनती होना चाहिए है नी, जो लर्नर है जो पढ़ने वाला है उसका जो है उस वो अनुशासन में रहे और शिष्टाचार व मेहनती होना चाहिए है नी। अब ये हमने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था शिक्षण अभिक्षमता का, और अगले वीडियो में हम शिक्षण की अगली इस यूनिट का दूसरा वीडियो लेकर आएंगे शिक्षण अभिक्षमता का। और आप जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जो ये लाल बटन है सब्सक्राइबर का उसे दबा दें, और बेल जरूर बजाएं जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।